वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा। मेरे साथ एक फीमेल है, ये कर्नाटका से हैं। ये एक लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी का केस है और आप सब जानते हैं कि हमारी काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो लोग देखते हैं। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड्स में लिख लूँगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से टांग को मेजर किया जाता है, क्या सही तरीके हैं, अपेरेंट और ट्रू लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी क्या होता है। अपेरेंट का मतलब होता है कि सिर्फ दिखने में, जैसे कि इनके केस में अपेरेंट है, ट्रू नहीं है। ट्रू का मतलब होता है कि असलियत में टांग छोटी बड़ी। इनको मैं पूरी तरह से ठीक कर पाऊंगा, उसका कारण यह है कि ये अपेरेंट है। अपेरेंट नहीं होती तो ये दिक्कत सिर्फ शू रेज यानी कि जूते को लंबा करने से ही ठीक होती। हमने इनकी टांगों की लेंथ ले ली है, चेक कर ली है। इनकी राइट जो लेंथ है वो थोड़ी सी बड़ी है, यानी कि एक इंच के आसपास का डिफरेंस है। बट हमने ये भी देखा कि इनका पाँव के जो है वो हाई आर्चेस हैं। हाई आर्चेस पाँव ऐसे होते हैं जिनका कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं होता और ये चलते समय इनके पाँव पूरे के पूरे अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। जब पाँव अंदर की तरफ मुड़ते हैं, उसी की वजह से पूरे जो स्ट्रक्चर होता है वो इनस्टेबल होना लग जाता है, यानी पाँव स्ट्रक्चर इस तरह से चलना शुरू करते हैं, उसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी आ रही है। आप सब देख सकते हैं स्पाइन में वैसे कोई चेंजेस नहीं है। इस तरफ जो ये एरिया है ये थोड़ा सा उठा हुआ है इनस्टेबिलिटी की वजह से। अगर मैं ये दोनों पाँव को मिला के देखने, माता जी क्या छोटा बड़ा है? हाँ। कितना बहुत कम है ना, देखिए। हाँ। है ना, इसको हम बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे। अगर आपका भी देखूंगा ना तो आपका भी इतना सबका मिलता है। हाँ, है ना, लेकिन इनको दिक्कत उससे ज्यादा है। चलते समय इनका पाँव कैसा पड़ता है? ऐसा पड़ता है ना। तो देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं एडजस्टमेंट भी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूं, नीचे गए और इनको मैं 20-25 बार ऊपर नीचे कर देता हूं। इससे बैक के मसल्स पे थोड़ा सा आराम आना चालू हो जाएगा। ये जो प्रॉब्लम है ना, इनके गोलाई है, ये कॉन्टैक्ट नहीं बनता, इसलिए चलती ऐसे है। और इस वीडियो में हम पेशेंट का फेस नहीं दिखाएंगे, फैमिली की तरफ से रिक्वेस्ट है, फीमेल है। सो आई होप आप सब समझ सकते हैं। और इस वीडियो का पर्पस आप लोगों तक सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। अब देखिए, ठीक हो गया? हो गया ठीक? कुछ नहीं किया, सिर्फ टांग को चलाया। और ये नीचे भी रख लीजिए, देख लीजिए, ये और बेटर हो गया है ना, है ना। अगर इसको चलाएंगे और ये मसल्स यहां से और रिलैक्स होगा तो ये ठीक हो जाता है। लेकिन क्योंकि पांव ऐसा पड़ता है तो ये अब चलेंगी 10-20 स्टेप वो वापस वैसा हो जाएगा। तो हमें पांव के नीचे इंसोल बना के देना पड़ेगा ताकि पांव ऐसा ना गिरे। हाँ सर, है ना, उससे ये ठीक हो जाएंगे। ये लो, इजी। अब उस तरफ सीधा छोड़ो, ये भी टाइट हो गया, छोड़ो छोड़ो धीरा छोड़ो। जबकि पहले बहुत फर्क था, है ना। और जैसे ही ऊपर आते हैं ये और कम हो जाता है, हल्का सा। ये जो वजन ज्यादा पड़ रहा है इस तरफ, इसकी वजह से ये डिफरेंस है, है ना। ये चीज हो गई। और व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हम देखते हैं आप लोग बिना सब्सक्राइब किए बिना लाइक किए जाते हैं, एक 2 सेकंड निकाल के प्लीज लाइक करके ही आगे जाइएगा। इन बेटी का हर वक्त यहाँ तक आना, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बड़ी मेहनत से होती है। और प्लीज थम्स अप किए बगैर मत जाइएगा, चैनल को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू।